Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Cafe 26 Crown, opposite ESIC Hospital. Coffee, sandwiches, pizza, Italian, Mexican dishes, सभी यहाँ पर मिलते हैं. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की. सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है थोड़ा नरम गरम चल रहा है. हाल ही में जो कनाडा के पीएम का जो बयान आया था उसके बाद जो है दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में काफ़ी टेंशन्स आ चुके हैं. एक नई अपडेट जो आपको दे रहे हैं, इंडिया ने सस्पेंड किया है वीज़ा सर्विस को कनाडा में जो डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहे हैं. कनाडा वेबसाइट में बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट नोटिस फ्रॉम द इंडियन मिशन टू द ऑपरेशनल रीजंस विद इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर, इंडियन वीजा सर्विस हैज बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस. इस तरह की बात की गई है. उसके बाद नेशनल न्यूज खबर लाते हैं. कूली नंबर वन, जी हाँ, राहुल गांधी बन चुके हैं कूली और कूलियों का साथ उन्होंने दिया बैग उठाकर रेड टी शर्ट डालकर. वीडियो काफी वायरल होते नजर आ रहे, जहां पर राहुल गांधी जो है लोगों के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं. ये उन्होंने किया दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर. राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी चले, जो उसमें आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस लीडर अपने तरह से ट्रेन स्टेशन के बाहर निकलते हुए लोगों से बात करते हुए अपने पोर्टर्स के साथ रहते हुए वर्कर के साथ वहां पर उन्होंने बात की. चोर भागते हुए आपने कभी देखा है? आप देख सकते हैं चोर भागते हुए किस तरह से पुलिस वैन में, पुलिस वाले चाय पी रहे थे, चाय सिप लेते बैठे थे, तो अचानक दरवाजे खोलकर आप ये वैन में के वीडियो देख सकते हैं कि तीन चोर जो है दो एक तरफ फरार हो गए, एक तरफ फरार हो चुका है. ये वीडियो हम ला रहे हैं आपको झांसी से. अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हर जुमरा सर्विसेज ला रहे हैं अक्टूबर डिलक्स पैकेज. जी हाँ, रवानगी होगी 20 अक्टूबर को और रिटर्न है 5 नवंबर. तैफ बदर शरीफ और जोराना जियारा फ्री इन जस्ट 1,05,000 रुपीज. स्क्रीन पर नंबर पर कांटेक्ट करें तुरंत. उसके बाद ऐसी सिमिलर एक्ट हम एक बात करते हैं. इंडिगो के पैसेंजर ने इमरजेंसी एग्जिट खोलने की कोशिश की एयरप्लेन की. मिड एयर में ये काम उन्होंने करने की कोशिश की, जहां पर साथियों ने रुका दिया उन्हें और अरेस्ट भी हो चुके हैं. किस तरह की आप हरकत क्यों करने आते समझ में नहीं आता. विश्वजीत देवनाथ जिनका नाम है 41 ईयर्स के हैं, उन्होंने अगरतला जो कैपिटल था त्रिपुरा का वहाँ पर यह हरकत की, जिसकी वजह से और उन्होंने साथ साथ मिसबिहेव भी किया कैबिन क्रू के साथ. गुवाहाटी से आसाम जा रही थी फ्लाइट जिसके बीच में ये एक्टिविटी हुई. आधार कार्ड अब मैंडेटरी नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉल रोल्स के लिए. जी हाँ, फॉर्म चेंज किया जाएगा न्यू वोटर्स के लिए, यानी कि अगर आप वोटर बनना चाह रहे हो तो आपको आधार कार्ड आधार नंबर देने की जरूरत नहीं रहेगी. इस तरह की बात बता रही है सीनियर काउंसिल जो अपीयर किए हैं इलेक्शन कमीशन के लिए. उन्होंने बेंच को कंप्राइजिंग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ और जस्टिस परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने सबमिशन किया आधार नंबर नॉट मैंडेटरी अंडर रूल 26B ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉल्स. गुलबर्गा से हम आपको लाते हैं एक अफसोस भरी खबर, जहां पर हम बात कर रहे हैं जनाब अब्दुल गनी साहब जो सिटीजन इलेक्ट्रिकल्स से बिलोंग करते हैं. वालिद हचम कासिम अली शनी फरोश का इंतकाल हुआ है 21 तारीख का. ये हम आपको वाक़ बता रहे हैं शाम 6 बजे का. नमाज जनाजा आज जब आप बुलेटिन देख रहे हैं मस्जिद मोहम्मदी में है हफ गुमत और तदफीन हफ गुमत की कब्रिस्तान में होगी. कुमार स्वामी विजिट करेंगे दिल्ली को आज. आप बुलेटिन देख रहे होंगे बीजेपी लीडरशिप से मुलाकात करने के लिए. क्या अलायंस की बात होगी नहीं होगी, एजेंडा क्या है इसकी मीटिंग का देखते हैं. सितंबर 21 यानी आप जब बुलेटिन देख रहे हैं बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप के साथ डिस्कस किया जाएगा पॉसिबल अलायंस दोनों पार्टियों का 2024 इलेक्शन के लिए. मीडिया रिपोर्ट की जो बात है उन्होंने बिल्कुल बात को कहा कि ऐसा कोई बात नहीं चली सीट शेयरिंग की बिटवीन जेडीएस एंड बीजेपी, ये जस्ट एक स्पेकुलेशन है, कोई ऐसा अभी तक बात नहीं हुई है. गुरुवार से एक और न्यूज़, जहां पर डीसीसी प्रेसिडेंट जगदेव गुदार ने शो कॉज नोटिस भेजी है वार्ड नंबर 3 के कॉरपोरेटर अब्दुल हमीद साहब को. यहां एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहबा के कंप्लेंट के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है. एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहबा ने जो लेटर हमने जो रिसीव किया है जो न्यूज़पेपर का आप कटिंग देख सकते हो उसमें बताया जा रहा है कि अब्दुल हमीद साहब जो है पार्टी के साथ काम नहीं करे हैं आने वाले इलेक्शंस के अंदर. कई जगहों पर उन्होंने एबसेंट रहे हैं, मीटिंग्स में भी मौजूद नहीं रहे हैं और एंटी पार्टी का काम उन्होंने किया, इस तरह की बात की जा रही है. उसी को चलते कंप्लेंट मिला है डीसीसी साहब जगदेव गुदार को और 24 सितंबर का टाइम है उन्हें इस पर रिस्पॉन्स देने का.
महाराजा रेस्टोरेंट्स गंज में एपीएमसी कमान के बिल्कुल बाजू आपके लिए आ रहा है डिलीशियस फूड। चाय से लेकर बिरयानी तक और कई सारे आइटम्स आपको मिलेंगे बेस्ट प्राइजेस में, तो अभी विजिट करें। बाद हम बात करते हैं भारत यूएस सेना के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट की डिमांड किया कि रिमूव करें डी ग्रुप के 9 मेंबर्स को कलबुर्गी महानगर पालिका में। ये क्या मामला है आइए देखते हैं। तो मैं ये लोगों को सामने बोलने को चाहता हूँ, तो इन 9 जनों को कैसे लिए तुम? डी ग्रुप वाले को सी ग्रुप कौन सा लिए? जो अभी लोग हैं तो उनको लिए, जो इन पहला लोग हैं उनको नहीं दिए। 1994 से इन लोगों को लिए तुम, तो कौन सा तरीका से लिए बोल के हम 5 महीने से हमारा भारत युवा सेना जिला अध्यक्ष मल्लिकन चिंतन सो सर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रेस मीट की और डिमांड किया एसपी कलबुर्गी को रिमूव करें नेम्स के जो बच्चे एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। क्या उनकी डिमांड है आई सुनते हैं। एबीवीपी ने वो पोस्ट होने के बाद कंडन किया था और कुल सचिव जी को मनवी भी दिया था, रिक्वेस्ट लेटर भी दिया था उनको सस्पेंड करने के लिए। बाद में वो पूरा विचार को लेके कुल सचिव जी ने वो सस्पेंड भी किया है। बाद में उन्होंने जाके हमारे कार्यकर्ता कौन कौन प्रोटेस्ट का इनिशिएटिव लिया था उन लोगों के बारे में एफआईआर डाला है। हम ये विषयों के लिए खंडन करता है बीवीपी से। स्पेशल ब्लॉग बनाया गया मेरा ब्लॉग नंबर 4, जहां पर मैंने आकिब साहब के साथ मुलाकात की और ड्राइव भी किया। साथ साथ सलीम फेकू हमारे हैदराबादी एक्टर यहां पर मौजूद रहे, सूरत खजाना की ऐड भी है और जवान मूवी जो हमने देखी थी। पूरा वीक का ब्लॉग को मिक्स करके मैंने ऑल मिक्स फ्रूट जूस बनाया है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। वीडियो 3 बजे दोपहर में अपलोड होने वाला है यूट्यूब पर, तो ज़रूर देखिए। उसके शॉर्ट जो टीज़र है मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड आकिब हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अवेलेबल टाइम। तो हम लोग थोड़ा एक स्पेशल काम से जो है कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं, द फेमस ढाबा ताज ढाबा कौन नहीं जानता, और सलीम फेको कौन नहीं जानता। दो ऐसे लोग जो है जो एक दूसरे को आज पहली बार मुलाकात हो रही है आई थिंक, और इंटरवल चल रहा है। इंटरवल तो जो मूवी आई थी बहुत ज़बरदस्त है, और अभी भी हमें मालूम पड़ा है कि शाहरुख खान का डबल पार्ट इसमें नज़र आ रहा है। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम्स ओनली थ्रू कंटिन्यूस एफर्ट एंड स्ट्रगल। नेपोलियन हिल का ये कोट हम आपको बता रहे हैं। स्ट्रेंथ और ग्रोथ कैसे आती है? जितना आप कंटिन्यूस एफर्ट डालेंगे और स्ट्रगल करेंगे तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umra Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. कल भी मैंने आपको ऑलिव ऑयल के बेनिफिट बताए। स्किन के लिए ऑलिव ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है, एंटी एजिंग बेनिफिट देता है, मॉइस्चराइज करता है, सॉफ्टन करता है स्किन को, मेकअप रिमूवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ऑनसेट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्विक और फिक्स बनाता है आपके ड्राई लैशेस, एल्बोज एंड नीज़। लेडीज के लिए, हमारे बहनों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैशटाउन, जहां पर आपको मिलते हैं प्रीमियम हिल प्लॉट्स हुन्नाबाद रोड बिहाइंड हिल टाउन पर। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद अब्दुल हफीज का लिखा, अस्सलाम वालेकुम। सैयद फयाजुद्दीन ने सलाम लिखा है, ईद मिलादुन्नबी कब है लिख रहे हैं, 28-29 को मनाई जा रही है गुलबर्गा शहर में। अब्दुल मजीद लिख रहे हैं, हासिफ साहब ने सलाम लिखा है, रायचूर की ट्रेन कब है लिख रहे हैं, उसकी डेट तो मुझे नहीं मालूम है। पार्लियामेंट सेशन लाइक ऑन वुमेन रिजर्वेशन बिल, गुड मॉर्निंग इंडिया, ताहिर साहब लिखे हैं, अस्सलाम वालेकुम लिखे हैं, फैज जाफर, वेलन सिराज भाई अल्लाह से दुआ है कि आपको और कामयाबी देखें हबीब। मेरा जुनिस फरत लिख रहे हैं, भाई न्यूज़ के साइड में और नीचे एडवर्टाइजमेंट के ज़्यादा है इसलिए न्यूज़ का स्क्रीन शॉट हो रहा है, तो आप मोबाइल को क्रॉस करके देखें आपको न्यूज़ बराबर देखेगी, न्यूज़ को फुल स्क्रीन पर आप देखें आपको बराबर लगेगी न्यूज़। बिल्कुल सही बोल रहे हैं राहुल गांधी जी लिखा है मोहम्मद बेगम ने, रफी खान ने सलाम लिखा है, मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं, कावेरी का इशू कर्नाटक गवर्नमेंट बहुत परेशान हो रही है, बारिश के लिए दुआ करने लिखे हैं। रिहान लिखे, तारवे आपने कल बताया कि गुलबर्गा में तहारी होटल याकूबा निमरा अच्छा है, प्लीज़ इसका एड्रेस बता दीजिए, कोई लैंडमार्क में रायचूर से हूँ, हम फ्रेंड्स मिलकर प्लान कर रहे हैं आपके साथ आपसे आके मिलना का और तहारी खाने का, ताजा होटल के पास आकर पूछो, कोई बताते लिखे हैं बागवान भाई। रिहान भाई आप मुझे नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, ज़रूर मैं आपको सपोर्ट करूँगा और आपको गाइड भी करूँगा उसके अंदर। याकूब की होटल जो है सना होटल रिंग रोड के बिल्कुल बाजू में है और दोपहर 3:30 बजे बेहतरीन गरम गरम देख आता है,
और लिमरा होटल जो है मोमिनपुरा सर्कल पर वहाँ जाकर आप पूछ देंगे लिमरा होटल तो आपको कोई भी बता देगा। प्रश्न सवाल लिखे तार भाई एमएलए मैडम कनीस फाजन साहब की ऑफिस कहाँ पर है? ऑफिस उनकी घर पे ही से ही ऑफिस उनकी है, घर पे आप मैनेज कर सकते हैं। उमेर नोमा लिख रहे हैं कि वो 8 सैनेट में इसलिए अंकल बोल रहे हैं। भाई 8 सैनेट में रहे तो अंकल मत बोलो, चाचा बोलो मेरे को, ठीक है। यामिन हुसैन लिखा है हेल्थ टिप्स विद ऑलिव ऑयल लिखे हैं। हफीरा नाज लिख रहे हैं जियो पहले आदत लगाने के लिए फ्री चीज़ें देता रहा, उसके बाद चार्ज वसूल करता है, यकीन नहीं करना चाहिए इस पर लिखे हैं। मोहम्मद अबू बकर लिख रहे हैं करीस फातिमा इज़ बेटर देन एक्सपेक्टेशन, मैडम इज़ वेरी हार्ड वर्किंग लिखे हैं। मोहम्मद गुलाब लिख रहे हैं 28 तारीख को या 29 तारीख को मिलादुलनबी, 29 तारीख को है। जिस तरीके से सीरत मरकज सीरत कमेटी ने बताया जुलूस 29 तारीख को रहेगा, 28 तारीख को नहीं रहेगा, 29 तारीख को रहेगा। अकबर पटेल लिख रहे हैं खमर साहब की कमी गुलबर्गा की आवाम को हमेशा रहेगी, बट माशाल्लाह मैडम करीस फातिमा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करें। हैट्स ऑफ टू मैडम लिखे हैं अस्मा परवीन। मैग्नेटिक थ्री के डिटेल्स दीजिए, वो वीडियो आज अपलोड होगा। मोहम्मद जुनेद देखें मिलादुलनबी का जुलूस 29 सितंबर को रहेगा, उसका वीडियो हम बनाएंगे ज़रूर आपके लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मिलत नगर में आवारा कुत्ते बहुत हैं, लेकिन सरदार पटेल और कई सारे लोगों ने जो जुलूस के बारे में पूछा है वो 29 तारीख को जुलूस रहेगा। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल KBN यूनिवर्सिटी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डेली बुलेटिन इज पावर्ड बाय Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.